हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक सिंपल सा लुक। तो यहाँ मैं गुड वाइब्स का रोज़ टोनर है वही मैं स्प्रे कर ले रही हूँ। इससे स्किन ना हाइड्रेट होती है और आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं लगा लूँगी प्राइमर। प्राइमर है कलर बार का। गाइस ये प्राइमर ना मतलब कि मलाई की तरह है, मैं क्या बताऊँ। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, बहुत ज़्यादा अच्छा। थोड़ा सा महंगा तो है, 650 का है एक साथ, ये लगभग कि 700 ऐसे है। लेकिन गाइस ये ना इतना अच्छा प्राइमर है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ना ब्रश पे थोड़ा सा टोनर स्प्रे कर लिया है ताकि जब मैं फाउंडेशन लगाऊं तो सही रहे, थोड़ा सा सही रहता है। और ये गाइस ये लैक्मे का जो फाउंडेशन मैंने इस बार जो अमेज़ॉन का मेकअप लिया है, तो वो प्रोडक्ट मैं यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैं अच्छे से फाउंडेशन को अच्छे से लगा लूँगी। और मैं ना ब्यूटी ब्लेंडर मेरा अंदर है, अभी मुझे निकालना है, तो मैं जल्दी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना शुरू करूँगी। तो फिलहाल मैंने हाथों से और ब्रश से अपने फाउंडेशन को अच्छे से लगा लिया है। और यहाँ मैं लक्मी का फेस पाउडर भी लगा लूँगी। और फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो घबराए नहीं, जब तक आप मेकअप पूरा कंप्लीट करेंगे तब तक ये अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा लुक देगा। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा लुक कितना अच्छा आया है। तो यहाँ पर मैं फेस पाउडर लैक्मी का ही यूज़ कर रही हूँ, सनस्क्रीन करके है फेस पाउडर। और यहाँ मैं लगा ले रही हूँ शुगर का पिंकी पिंकी करने के लिए। पिच कलर है ये, पिच कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिच या फिर पिंक लगाओ आप तो थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी गाल हो जाते हैं, या फिर पिच कलर में लगाओगे तो कुछ अलग ही सेट आता है, तो अच्छा लगता है। तो मैं फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ शुगर का ही। तो यहाँ पे मैंने आप देखे होंगे कि मैं अमेज़ॉन में 925 करके आई शेडो ली थी। मैं उस आई शेडो का मिनी आई शेडो है, तो आप कहीं भी रास्ते में कैरी कर सकते हो, इसलिए है। तो मैंने इसमें सेट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और उसमें जो ब्रश दिया है उसी से यूज़ कर रही हूँ आप देखोगे तो। यहाँ पर मैंने हल्का ब्राउन कलर का एक सेट रिसीव किया है और उसके बाद मैं कोने की तरफ डार्क ब्राउन कर लूँगी। बहुत ही सिंपल लुक दिया है आँखों को और ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया है मैंने। तो इस टाइम मुझे ये मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा है और अच्छा भी लगता है। तो आँखों पे भी मैं हल्का ही दे रही हूँ, यहाँ पे हल्का ब्राउन है। तो जब तक हम मेकअप सारा यहाँ पर डार्क ब्राउन में लेके थोड़ा सा कोने की तरफ, पिच कलर था उसके बाद डार्क ब्राउन लेके कोने की तरफ थोड़ा सा स्मच करूँगी, और ताकि अच्छा लगता है ये। और गोल्डन कलर थोड़ा सा हल्का सा मैं आगे की तरफ लगाऊंगी। तो ये ऐसे ही है। और गाइस जब तक आप ना पूरा मेकअप कंप्लीट करोगे तब तक आपका फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाता है। और जब अगर आप हल्का फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, और जैसे कि अभी गर्मी का टाइम है बहुत ज़्यादा, तो गर्मी रहती है, तो जब तक आप ना कहीं भी प्रोग्राम में जाओगे और हल्का मेकअप करोगे, फाउंडेशन लगाओगे, तो वो बह जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाओ और जब तक मेकअप कंप्लीट होगा तब तक सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट है और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। तो मैंने हल्का सा ब्राउन सेट लिया है, हालांकि मेरा फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क है तो ज़्यादा है, तो इस वजह से उस हिसाब से मैं हमेशा हल्का ही मेकअप करती हूँ। लेकिन आजकल चला है ना आईब्रो थोड़ा डार्क रहता है तो अच्छा लगता है, तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ से मैं ना उसके पीछे ब्रश भी दिया हुआ है, आप उससे सेट कर लो। और एक ना कपड़े की सहायता से, जैसे हेल्प से आप ना लगाने के बाद थोड़ा सा ऐसे पोछोगे ना तो एकदम सेट हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे तो सेट हो जाएगा। तो आप लास्ट तक देखना। यहाँ पर मैंने लिया है मेबलिन का लिपस्टिक है ये, और ये है सेट नंबर 70 था, और क्या था यार मुझे याद नहीं आ रहा है, सेट नंबर 70 करके कुछ था। और यहाँ पे मैं मेबलिन का ही आईलाइनर, जेल आईलाइनर है वही यूज़ करूँगी। और जेल आईलाइनर जो है ना कुछ अलग तरीके से मैं यूज़ करने वाली हूँ, आप देखना। और इसमें मैं जैसे ऐसे ही इतना ही लगाऊंगी और उसके बाद उसके अंदर अलग काजल, मैं बोलती हूँ ना मैं लाइनर काजल से भी लगाती हूँ, तो मैं काजल उसके अंदर फिल करूँगी। तो आप देखना अच्छा लगेगा। और मैं जो भी काजल ऑर्डर की थी ना इस बार अमेज़न ब्यूटी में, तो उसमें
वही मैं काजल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया था काजल, जो देखिए आप ब्राउन, एक ब्लू कलर का था और एक ग्रीन में था, एक ब्लैक में था। तो मैं ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस टाइम, तो मैं ये काजल से ही इसको फिल कर लूँगी। आप देखिए लुक कितना बढ़िया आ रहा है इसका। लेकिन ये ना गाइस, ये पता नहीं क्यों ना थोड़ा सा ऐसे टूट जा रहा था बार बार, हल्का थोड़ा थोड़ा दो बार टूट गया। तो अब क्या कह सकते हैं इसको, तो काजल के पर्पज़ से यूज़ करेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन आप अगर लाइनर के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा तो टूटेगा ही, क्योंकि लाइनर में कुछ ज़्यादा ही हमें अच्छे से लाइन वो क्रिएट करनी होती है। और ऐसे काजल है तो आप ऐसे आँखों पे ही थोड़ा सा लगाओगे तो टूटने का इतना डर नहीं रहता, लेकिन लाइनर जैसे स्केच की तरह हम लोग खींचते हैं तो उस पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा तो ये टूटेगा ही। तो यहाँ पे मैं लाइनर यही लगा रही हूँ और लाइनर मेरा डन हो गया है। और कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आंखें काफ़ी बड़ी लग रही हैं। और जब मैं फुल मेकअप करूँगी आंखों का तब देखिएगा आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का लग रहा था तो मैं इसकी वो जेल लाइनर जो था मेबलिन का, वो काफ़ी अच्छा है जेल लाइनर। और यहाँ पे बिंदी के बिना तो पूरा मेकअप ही अधूरा सा लगता है, तो मैं बिंदी लगा लूँगी छोटा सा। उसके बाद ना मुझे लिपस्टिक का कलर थोड़ा हल्का लग रहा था तो मैं थोड़ा सा डार्क करना चाह रही थी, तो मैंने हल्का सा ये पिंक कलर की लिपस्टिक है मैंने उसी के ऊपर थोड़ा सा चला दिया और फिर अच्छे से मिला लिया। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया लिपस्टिक का और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो गाइस ऐसे में सिंपल आप कुर्ती पे मेकअप ऐसे कर सकते हो, अच्छा लगेगा। और साड़ी पे भी ऐसे मेकअप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा आता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा लुक आया था। और गाइस मैं बता दूँ, मैंने वो वाली क्लिप डिलीट हो गई, शायद वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ किया था। और यहाँ पे लैक्मी आइकॉनिक करके मस्कारा है, मैं वो मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट के ही ब्यूटी प्रोडक्ट से लिया था। तो ये गाइस ये मतलब कि बहुत अच्छा मस्कारा है। आप अगर मस्कारा ख़रीदने का सोच रहे हो तो मैं तो कहूँगी कि आप यही मस्कारा लो, लैक्मी का आइकॉनिक मस्कारा बहुत अच्छा। आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से लग रहा है और आंखें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी लगाने के बाद। तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा लिया है इसको और काफ़ी अच्छे तरीके से देखिए कैसे लग रहा है। मुझे नकली आई लैसेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आंखें काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे मेरी। और बिंदी के बिना तो सबका अधूरा ही लगता है, तो थोड़ा सा ना छोटी सी बिंदी अच्छी लगती है, तो मैं वही बिंदी के बिना मेरा भी चेहरा सुना सुना सा लगता है। लेकिन क्या कह सकते हैं ना, अब लगा तो सकते नहीं बिंदी तो, हाँ लेकिन जब लुक क्रिएट करती हूँ तो मुझे लगाना पड़ता है, तो मैं बिंदी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने बालों को कंघी भी नहीं किया है और मैं थोड़ा सा ऐसे करके कर ली हूँ। ये देखिए मेरा लुक है। और यहाँ पर मैं फिर फेस कनाडा करके फिक्सर है मैं स्प्रे कर लूँगी हल्का सा। और गाइस सच में बहुत अच्छा लुक आ रहा था, बहुत अच्छा लुक आ रहा था जैसे कि आपको दिख रहा है। तो आप ऐसे ये लुक क्रिएट कर सकते हो शादी में और सूट पे सिंपल, मतलब फ्रॉक सूट डाल रहे हो जैसे, और गाउन पे भी। कैसा लगा लुक बताइएगा। और जब भी मेकअप करने बैठे अगर ज़्यादा ओवर आपको लग रहा हो कि मेकअप हो रहा है तो घबराए नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद से सेट हो जाता है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो ये लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। तो बाय बाय। I don't wanna get hurt.